मेरा जो जन्म हुआ है वो तो एक ऐसे परिवार में हुआ है जो कि संपूर्णतः संगीत की साधना में, उसके विकास और संवर्धन में जुटा हुआ है अनेक पीढ़ी से। मैं छठी पीढ़ी हूँ, इसीलिए संगीत, अगर मैं कहूँ कि वॉज अ वे ऑफ लाइफ और वे ऑफ अपब्रिंगिंग, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हमारा जो परिवार है, हम बेसिकली महाराष्ट्र ब्राह्मण हैं। पुणे के नज़दीक एक जगह है चिंसवड़, वहाँ से संबंध रखते हैं हम। और जब सिंधिया लोग पुणे से, जब उन्होंने अपना बेस चेंज किया और ग्वालियर में आए, तो उनके साथ अनेक महाराष्ट्रियन परिवार आए थे, जिसमें कि हमारा भी परिवार था। हमारा सरनेम उस समय पे चिंसवड़कर था, रामचंद्र चिंसवड़कर और उनके पुत्र विष्णु चिंसवड़कर, दोनों ही कीर्तनकार थे, वेद शास्त्र संपन्न लोग थे। ग्वालियर में आने पर, क्योंकि हद्दू हस्सू खां साहब उस समय पे महाराजा सिंधिया के दरबार के राजगायक थे, उनको उनके देवघर में गाने के लिए कुछ भक्ति पदों की ज़रूरत होती थी, उनको लोग जो है रामचंद्र चिंसवड़कर एवं विष्णु चिंसवड़कर के पास लेके गए। वहाँ पर विष्णु पंडित जी का जाना होता था और उनको लोग भी चिंसवड़कर से पंडित करके बुलाने लगे, तो वहाँ से हमारा जो नाम भी जो है, सरनेम चेंज होकर पंडित हो गया। विष्णु पंडित जी के चार पुत्र थे, गोपाल राव पंडित, गणपत राव पंडित, शंकर राव पंडित एवं एकनाथ पंडित। तो हद्दू हस्सू खां साहब को ये चारों पुत्र जो है, इनके जो टैलेंट है उनकी नज़र पड़ी थी और उन्होंने जो है चारों बच्चों को अपने अंडर ले लिया। जो ट्रांजिशन था ध्रुपद गायकी से ख्याल गायकी की ओर, उसमें जो ग्वालियर का रोल था, तो उसमें जो है ये परिवार का एक बहुत बड़ा एक इंस्टीट्यूशनल एक जर्नी रही है। उस समय की बात कर रही हूँ, जैसे कि हम जानते ही हैं कि अब ध्रुपद पीछे रहकर जो है ख्याल गायकी का ज़माना है, उस समय भी आगे आ चुका था और वो आज भी बरकरार है। तो मुझे बड़ा फ़ख्र है कि मैं ग्वालियर से हूँ। तो ये कोई प्लान चीज़ नहीं थी, ना पिताजी ने प्लान किया, वो तो उन्होंने तो कभी कहा भी नहीं हमको कभी ये करने के लिए। उनको दिखता था कि भाई बच्चे को म्यूज़िक बहुत अच्छा लगता है, तभी सिखाते थे, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं थी। हाँ, एक बार सीखने लग गए तो उसके बाद ज़रूर रियाज में बहुत सख्ती और तालीम की बड़ी सख्ती होती थी घर में। और छुटपन से ही उन्होंने हमें छोटी छोटी महफिलों में, यू नो, कलाकारों के बीच में और जहाँ पर भी मौका मिलता था, हमें गाने बजाने के लिए प्रोत्साहित किया है। एसेंशली आई थिंक बड़ी अच्छी बात थी, क्योंकि पिताजी ने हमें भरतनाट्यम भी सिखलवाया। तो आप समझ सकती हैं कि देयर वाज कुछ ऐसी प्लान चीज़ नहीं थी जी। मेरी पहली स्टेज परफॉर्मेंस जो है वो जब कृष्णराव शंकर पंडित प्रसंग, ये भारत भवन भोपाल में हुआ था। तो ये 3 दिवसीय के प्रसंग में लास्ट दिन पर सुबह की एक सभा जो थी, उसमें तिगलबंदी हुई थी तुषार, अतुल और मेरी, मेरे बड़े भाई। हमने तिगलबंदी की थी, पहली बार हम स्टेज पे गए थे, पूज्य दादाजी सामने बैठे थे और मैं क्या कहूँ, वो तो एक अलग ही कमाल का माहौल था। मेरा जो फर्स्ट पैशन है वो ख्याल गायकी है। इसके अलावा मुझे हर तरह का संगीत सुनने का और गाने का भी बहुत इंटरेस्ट है। मुझे बॉलीवुड म्यूज़िक बहुत पसंद है, मैं गज़ल बहुत सुनती हूँ, मुझे जैज़ म्यूज़िक का बहुत शौक़ है। अच्छे अच्छे आर्टिस्टों को, कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट जो पॉप के भी हैं, उनको भी मैं सुनती हूँ। क्योंकि देखिए, कला और हुनर एक ऐसी चीज़ है, उसमें जिसमें हुनर है वो तो है। तो मैं इस समझ की हूँ कि भाई क्लासिकल तो एक अपने दर्जे का है ही, पर मैं और किसी भी संगीत को उससे कम दर्जे का नहीं मानती हूँ। मैं गाती भी हूँ अलग प्रकार का, जैसे कि मैंने फ्रांस में आर्टिस्ट इन रेजिडेंस हमें भेजा था, फ्रांस में मैं रही थी 3 महीने के लिए और वहाँ पे जैज़ आर्टिस्ट के साथ हमने फ्यूजन एक्सपेरिमेंटल म्यूज़िक का ये दौर किया था। इसके अलावा EMI ने भी हमारा द ल्यूमिनेंस प्रोजेक्ट, ये डच आर्टिस्ट के साथ ये हमने प्रयोग किया और इस प्रकार से एल्बम्स निकली हुई हैं। मैं दिल्ली में पली बढ़ी हूँ, यहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी कि लोगों को अमूमन शास्त्रीय संगीत के नाम से एक हवा जैसा है, लोगों को लगता है ये बड़ा मुश्किल है। आपने ऑलरेडी उसको इतना मुश्किल का दर्जा देकर उसको इतना एक अपने से दूर हटा दिया। तो मैं सोचती थी कि ऐसा क्यों है, कुछ भी करते हुए मैं देखती थी कि हमारे जनरेशन को नहीं खींच पा रही हूँ। तो मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की कि मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल है। आज के दौर में अगर हम कहें, इकलौता एक तरीका है लोगों की तरफ जाने का और जो आपकी एक नीश ऑडियंस है उसको बढ़ाने का भी। और मेरा सबसे पहला प्रयास जो है वो एक मॉर्निंग ब्रेकफास्ट शो में एक छोटा सा मेरे को सेगमेंट मिला था, पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट मिला था जिसका नाम था सुनहरे पल। उसमें फिल्म के गानों को लेकर मैं, जो राग पर आधारित होते थे, मैं रागों के बारे में गाती थी, बताती थी लोगों को और हमें बोरियां भर के चिट्ठियाँ आती थी।
दूसरा मुझे जो अपॉर्चुनिटी मिली जो कि वर्ल्ड स्पेस रेडियो जो कि एक बड़ा ही खूबसूरत एक्सपीरियंस था, और उन्होंने मुझे ये ऑफर किया कि मैं एज एन आर्टिस्ट एक बायलिंगुअल लैंग्वेज में लोगों को एक डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन करूँ अलग अलग चीज़ें को लेकर, राइट फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ म्यूजिक, राग क्या है, श्रुतियाँ क्या हैं, रागों का समय का ये क्या चक्र है, अब यमन है, यमन क्या है, बड़ा ख्याल क्या होता है, तराना क्या होता है, बंदिश क्या है, डायरेक्टली एक आर्टिस्ट से एक ऑडियंस का एक डायरेक्ट टॉक, तो ये होता था। 2 साल का हमने किया, चमत्कारिक रूप से बदलाव आए हैं, परंतु ये विद्याएं ये गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत ही फलती फूलती हैं और उनके एक अलग आयाम तक पहुंचती हैं। आपने गाना सीखना है तो गुरु के चरण में ही जाना पड़ेगा, इसका कोई दूसरा रास्ता ही नहीं। शुभ